हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप लोग के बहुत ज़्यादा डिमांड पे मैं लेकर के आ गई हूँ वीडियो। शैम के साथ मैं आज आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवाऊँगी और उनको उनको उनकी आवाज़ें आप लोगों ने सुनी है, उनको हल्का फुल्का देखा बट उनको अच्छे से आप लोगों ने नहीं देखा। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी अप्पी जीजू को दिखाइए, तो उनका बस ये था कि वन के सब्सक्राइबर जब कम्प्लीट हो जाएंगे तब मैं आऊँगा। तो हमारे वन के सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गए, तो चलिए मैं आप मिलवाती हूँ आप लोगों को आप लोगों के जीजू से। सलाम अलैकुम, कुछ बोलो तो। तो सलाम कीजिए। सलाम तो किए ना। आपकी बहुत सारी साली जो है ना बैक कैमरा है जो आपको देखने के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब अपना सरप्राइज तोड़ती हूँ, क्योंकि आपकी डिमांड थी ना बन के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो हो गया, तो फिलहाल ही आ गए। कुछ बोलिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो इस चैनल को इतना प्यार दिए हैं, सपोर्ट दिखाए हैं, तो उसके लिए और इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहिए। और कंटेंट जो है अच्छा अच्छा कंटेंट जो है आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे, फिटनेस से रिलेटेड या कुकिंग से या फिर बाहर के कुछ ऐसा चीज़ जो कोलकाता के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, वो सब लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ ये सब चीज़। अच्छा ये बताइए, सबसे हमारे चैनल पे जो भी हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कन्फ्यूज़न है कि जैसे मैं आपको प्यार से शैम बुलाती हूँ और ये आपका नाम तो नहीं है, लेकिन हाँ आपका जैसे फ्रेंड सर्कल में हर एक चीज़ में ये नाम है तो वो मैं बुलाती हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि हमने नॉन मुस्लिम में शादी की है, तो ये तो उस चीज़ को आप क्लियर करिए कि आपका नाम क्या है और आपको मैं शैम क्यों बुलाती हूँ, तो इसलिए ये इस चीज़ को आज क्लियर कर दीजिए। मेरा नाम शैम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद इंतजाम है। तो मेरा नाम थोड़ा लेंदी है और बहुत सारे लोग जो है उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए स्कूल से ही लास्ट जो मेरा नाम का जो लास्ट फोर लेटर है वो बनता है सैम, SHAM सैम, तो वही नाम लेके जो है सो मेरे फ्रेंड्स या जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे या जहाँ मैं जॉब कर रहा था वो सब हमको सैम नाम से ही बुलाते हैं, या जहाँ भी ये मतलब जो इनको पहले से जानते हैं मुझसे पहले से सब, अगर इनके फ्रेंड सर्कल में अगर एहतिशाम बोलेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा, शैम बोलेंगे प्रोनाउंस करने में थोड़ा दिक्कत होता है ना, वो चीज़ एहतिशाम बोलने में ही दिक्कत होता है, तो वो आदत मुझे भी लग चुकी है, तो इसलिए मैं इनको शैम ही बोलती हूँ और इसलिए इतनी सारी कन्फ्यूजन हो रही थी। और हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ होता नहीं है, अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, बाकी लोगों के लिए बोल रहे हैं जो ऐसा थिंकिंग रखते हैं, हम लोग सब आपस में भाई भाई की तरह है। हाँ। तो वो सब चीज़ ये नहीं रखता है, बाकी ये सब चीज़ के बारे में हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। और एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे प्यार देने के लिए इतना सपोर्ट मिल रहा है चैनल पे, उम्मीद नहीं था ऐसा। नगमा को हम शुरू में ही बोल रहे थे कि चलो कर रहे नहीं, नहीं 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 आप मुझे इस चीज पे वैल्यू नहीं दे रहे थे, वैल्यू नहीं, 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 नहीं दे रहे नहीं, थे, वो सही है। दो तीन जब सब्सक्राइबर थे मेरे और जब मैं यूट्यूब में बहुत मेहनत करती थी, फ्रेंड्स कंटिन्यू लगी रहती थी, तो डांटने वाले भी यही है कि दिन भर यूट्यूब में लगी रहती है, घुसी रहती है, ये मुझे बहुत हल्के मिले रहते हैं, बोले थे कि वक्त दो, तीन चार महीने टाइम दो तो व्यूज आना शुरू, लेकिन आप सीरियस नहीं थे, इतना जल्दी व्यूज आएगा वो, लेकिन मुझे लेकर के आप सीरियस नहीं थे कि मैं इतना जल्दी कुछ अच्छा मतलब इतना मुझे सपोर्ट मिलेगा, भी बहुत मेहनत करो अभी तो बहुत कुछ। हाँ वो चीज़ है, लेकिन इतना के लिए लायक भी मैं हूँ और ये मैं भी नहीं समझ पा रही थी, और मुझे भी एक ये चीज़ था कुछ सीखना कि कैसे मतलब इतना कुछ हो जाएगा, मतलब इतना लोग मुझे प्यार करेंगे, मेरी चीज़ों को पसंद करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। तो गेट पे कोई आ गया था, नॉक कर रहा था, इसलिए जाना पड़ा बीच में, उसके लिए इंटरप्शन के लिए सॉरी। और कुछ बोलना है? हाँ तो ये बताइए ना कि आप मतलब क्या किस तरह से हम जो मेहनत किए इस पे आए, आपको लग रहा था ना कि जैसे बहुत टाइम लेगा, पता नहीं ये क्या बना रही है, मतलब आप इतना सीरियस नहीं थे है ना इन सब चीजों पे। डाइट वगैरह तो ये बहुत पहले से कर रही है, डाइट वगैरह पहले से, मतलब मैं बहुत पहले से बहुत कुछ ट्राई करती थी, क्योंकि मेरा वेट का प्रॉब्लम बहुत टाइम से शुरू था है ना, था क्योंकि मुझे थायराइड है तो बहुत टाइम से, तो वही बहुत सारी चीजें हमने बताई भी है फ्रेंड्स को, मैं बहुत टाइम ऐसा भी क्यों 3-3 महीने बॉइल करके भी सब्जी खाई हूँ ना, लेकिन मैं सब चीज करके थक गई, बहुत हार्ड मैंने वर्कआउट भी किए, लेकिन वही था मैंने वेट भी लूज किया, उसके बाद क्या होता था कि फिर जैसे नॉर्मल घर का खाना में जैसे ही नॉर्मल आती थी फिर मेरा वेट उससे भी डबल बढ़ता था स्पीड से, है ना, स्पीड से बढ़ता था।
उसके बाद हमने ये जब शुरू किया तो हमको इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला। इसमें हमको ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा कि मैं भूख के लिए तरस रही हूँ, कुछ खाने के लिए तरस रही हूँ। तो ये चीजें बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी। जितना कुछ भी कर लो, जवान पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। कितना टाइम में इंसान जो है ना अच्छी अच्छी चीजों को देख के घर में बन रहे हैं उस चीज पे कंट्रोल कर पाएगा। तो जब मैं इस चीज को फॉलो की और मुझे अच्छा लगा कि इसमें एक तो बहुत ज्यादा आपको भूखे पेट नहीं रहना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा क्या कि भूखे पेट रहना ही नहीं पड़ रहा है और आप हर एक चीज खा रहे हो। और उसके बाद जब मेरा वेट भी लूज होना शुरू हुआ तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे लगा कि क्यों नहीं ये लोगों के सामने मैं लेकर के इस चीज़ को आऊँ। और मुझे ऐसे भी मतलब डेली ब्लॉग करना ही था, तो मैं सोची उसके साथ साथ मैं अपनी फिटनेस जर्नी भी स्टार्ट करती हूँ। शायद कुछ लोग मुझसे इम्प्रेस होंगे, कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को मुझसे हेल्प भी मिलेगी, तो इसलिए मैं इसको लेकर के आई, है ना। नहीं तो डेली ब्लॉगिंग का सिर्फ मेरा था, है ये वेट लॉस इसमें ऐड करने का नहीं था। लेकिन डेली ब्लॉगिंग में क्योंकि मैं ये कर रही हूँ तो ये तो कहीं ना कहीं ऐड हो जाता है। लेकिन हाँ, अभी जिस तरह से मैं इतनी डिटेल्स के साथ चीजों को ला रही हूँ वो शायद नहीं ला पाती, है ना। तो यही था और तो ये रहे आपके जीजू। और ये जिस तरह से मेहनत करती है क्योंकि टाइम बहुत कम हम लोग को मिलता है। हाँ, ये चीज बताइए, मैं कितना मुश्किल से फ्रेंड्स को ये बताइए, मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि ये आपको बताएंगे कि मैं कितनी मुश्किल से है ना शूट करती हूँ, मुझे कितना कम टाइम मिलता है ना शूट करने का, कुछ भी आप लोगों से हर एक चीज शेयर करने का। क्योंकि 10 बजे तक 10 प्लस तक ना हम लोग बिहार से, इसलिए थोड़ा बात करने में हम लोग को बिहारी टोन आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है पता नहीं, मेरे इसमें भी आता है, आता ही है। जहाँ पे जरूरत पड़ता है वहाँ पे मैं इंग्लिश में ही बात करता हूँ। तो बहुत मेहनत करती है क्योंकि मॉर्निंग में मेरा यहाँ पे क्लास रहता है, इंग्लिश क्लास यहाँ पे होता है, फिर इवनिंग से भी क्लास मेरा होता है, ये भी कुछ बच्चों को पढ़ाती है, मेरे ही बच्चे थे, फिर ये बोली कि चलो थोड़ा जूनियर बच्चे को मैं देख लेती हूँ, तो ये शुरू से ही पढ़ा रही है। और इसके बीच में ही ये अपना टाइम निकल के जो भी ब्लॉगिंग वगैरह करती है, फिटनेस वगैरह जो है आपको एक्सप्लेन करती है। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, इस चीज़ को अप्रिसिएट कीजिए। और बाकी जो है वो आपको जो चीज़ है लाइफ से जुड़ा हुआ वो सब चीज़ भी धीरे धीरे बताते हैं। अच्छा, मुझे ये भी कमेंट आ रहे थे कि मैं कितनी पढ़ी हूँ। पढ़ी लिखी हो तो बताओ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ ये बताएंगे, आप बताइए प्लीज। कहाँ तक की है ना, 11 है। 11 तक मैं उर्दू मीडियम से 11 की हूँ। हाँ, उर्दू मीडियम से 11 करिए, किसी रीजन से छोड़ना पड़ा पढ़ाई अगर वैसा। आप कितने पढ़े हैं ये भी चीज काफी रहा है। मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो ये इंजीनियरिंग किए हुए हैं। और कोविड के वजह से थोड़ा मेरा जॉब का प्रॉब्लम हो गया है, बैंगलोर में मैं काम कर रहा था, सॉरी, तो बैंगलोर में मैं आप हॉपलेस क्यों हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना इसलिए हॉपलेस हो रहे हैं, सर्वाइव कर। बैंगलोर में मैं काम कर रहा था लेकिन कुछ वजह से पेमेंट मेरा रुका हुआ है, वहां पे अच्छा खासा पेमेंट रुका हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा किए हैं, अब तो बेटर हो रहा, थोड़ा अच्छा हो रहा धीरे धीरे, है ना। नहीं तो हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस किए हैं। हम लोग का जो फील्ड है वो बहुत खराब हो चुका है, सिविल फील्ड, तो इसलिए जॉब को छोड़ के, ठीक तो जॉब को छोड़ के मैं ट्यूशन वगैरह क्लास करवा रहा हूँ घर पे। और माशाल्लाह बच्चे जो है बढ़ रहे हैं, 50+ बच्चे अभी है, तो उसी से अभी घर चल रहा है, बस यही है। और क्या बोले, आप शर्मा रहे हैं। अच्छा, अब ये बता दो, आज से अब रेगुलर मेरे ब्लॉग में ये आपको दिखेंगे। और मैं एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, मैंने इनको बहुत पहले से मतलब मैं बोल रही हूँ कि जब आप फर्स्ट डे मेरे साथ ब्लॉग शेयर करेंगे तो उसमें आप कोई मेरे लिए अच्छा सा सॉन्ग गुनगुनाएंगे, क्योंकि ये मैं आपको बता रही हूँ बहुत अच्छा गाते हैं, इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा गाते हैं, ये मुझे अक्सर गाना गा करके सुनाते हैं और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा गाते हैं। तो प्लीज सुनाइए, अभी तो गला खराब है, सुनाइए। फीवर था मुझे, सर्दी था, तो इस वजह से गला खराब है, तो कभी फिर नेक्स्ट टाइम पक्का। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, के लिए सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार ही सही इनकी आवाज जरूर सुनाऊंगी, ये बहुत अच्छा गाते हैं, इनके अंदर भी बहुत टैलेंट छुपा हुआ है। और कुछ बोलिए, और क्या बोले, और इन लोगों से बोलिए मुझे बहुत सारा सपोर्ट और प्यार दें। हाँ, बार बार तो आप बोले ही है कि कंटेंट इनका डे बाय डे अच्छा होगा जो अभी आप देख रहे हैं। और हाँ, एक चीज और मैं बीच में कट करना चाहूंगी, मुझे है ना वेट मेरा कितना कम हुआ उस पे बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, तो अच्छा वेट कम हुआ, वेट तो बहुत कम हुआ, ये भी आपको बताएंगे। पहले चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे हैं क्योंकि महीना दिन पहले शायद इतना मेरा मुंह फुला हुआ, इतना ये भरा हुआ, इतना फैट,
आप कितना मुझे छेड़ते थे, है ना, टीज करते थे कभी कभी, क्या क्या बोलते थे, पहलवान भी पहलवान बोलते थे मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, ये मुझे पहलवान भी बोलना स्टार्ट कर दिए थे, बोलते थे कि पहलवान पहलवान बोलते थे, मोटू बोलते थे, कभी कभी हाथी भी, एक दो बार हाथी नहीं बोले, हाथी नहीं बोले लेकिन पहलवान बोले, जो कि मुझे बहुत बुरा भी लग जाता था कभी कभी, हालांकि ये मजाक में ही बोलते थे लेकिन वो चीजें मुझे कभी कभी हट गई थी, सुना देती थी, फिर मैं इनसे गुस्सा हो जाती थी कि मुझे पहलवान क्यों बोल रहे, और कभी कभी गुस्से में जब ये मुझे पहलवान बोलते थे ना, मैं बोलती थी कि अब मैं और खाऊंगी और मोटी होकर के आपको दिखाऊंगी, लेकिन नहीं, फिर मुझे लगा जब मेरा हेल्थ इशू बढ़ने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, किसी के लिए नहीं, अच्छे दिखने के लिए नहीं, बस अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, क्योर करने के लिए वेट लॉस करना जरूरी है, तो इसलिए मैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी चीजें लगती है कि मैं ऐसी, मैं पहले से ही, और वेट लॉस करने के लिए सबसे बड़ा जो रीजन है ये है बाहर का फूड, बाहर का फूड आप अवॉइड कीजिए तो वेट अच्छा खासा लॉस होगा, घर के खाना में प्योरिटी होता है और ऑयल वगैरह सब जो है वो सही हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है शुगर, शुगर कंट्रोल करिए, शुगर कंट्रोल करने, हाँ, ब्लैक कॉफी, अच्छा बहुत सारी ये भी कमेंट आते हैं कि ब्लैक कॉफी बहुत कड़वा होता है, कैसे आप पी लेती है, मैं बिना शुगर के पीती हूँ ना, बहुत शौक से पीती हूँ ना, ये ऐसा नहीं कि अभी वेट लॉस मुझे करना है, इसलिए पहले से शुरू से भी जब मैं वेट लॉस पे नहीं भी थी मुझे ब्लैक कॉफी बहुत पसंद है ना, कुछ पाने के लिए कुछ, खास करके इनके हाथों की मुझे ब्लैक कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ये हमेशा बना के नहीं दे पाते हैं तो मैं ही बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी अगर ये दे सकते हैं तो मैं, शुरू से मुझे ब्लैक कॉफी पसंद है, ऐसा नहीं कि अभी मैं वेट लॉस करी इसलिए शुरू से मुझे ब्लैक कॉफी पसंद है, कॉफी मैं अच्छा बनाता हूँ, क्योंकि कई साल पहले मेरा एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जो क्लोज हो गया, तो वहाँ से मैंने सीखा है कैसे आप कई तरह की कॉफ़ी में बना सकता हूँ, लेकिन अभी साधन नहीं है उस तरह का, तो इसलिए नॉर्मल सा कॉफ़ी, इसको कभी कभी मिल्क कॉफ़ी बना के पिलाते हैं, लेकिन ये कोल्ड कॉफी भी बहुत अच्छी बनाते हैं, उसमें भी ये बोली है, बोलती है कि ये शुगर जो है सो कम देने के लिए, सो आप अपने लिए शुगर रखिए लेकिन मेरे लिए शुगर मत रखिए, मेरे घर में 250 ग्राम अगर फ्रेंड्स शुगर आ जाते हैं तो वो कम से कम दो महीना चल जाता है, वो भी अगर कोई कोई घर में गेस्ट वगैरह जैसे आते रहे तब, नहीं तो और ज्यादा जाएगा वो, क्योंकि जब गेस्ट आते तो उनको ऑब्वियसली चाय, उनको तो फीकी चाय नहीं दे सकते, इसलिए मैं 250 ग्राम शुगर ही लेके आता हूँ, मेरे घर में शुगर दुकानदार भी मेरा मुंह देखता है, बोले अरे भाई 250 ग्राम, बोले नहीं नहीं शुगर 250 ही, मेरा बस चले तो इसको भी नहीं ले जाए, क्योंकि शुगर मैं भी यूज नहीं करता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आपको ये भी चीज बताऊंगी कि ये भी वर्कआउट करते हैं, ये भी फिटनेस का अपने बहुत ख्याल रखते हैं, मुझसे पहले से ये भी फिटनेस के, अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह होने से ये थोड़ा टेंशन में रहते हैं तो अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, नहीं तो पहले से ही आप फिटनेस लवर है, ये बैंगलोर में था तो मैं भी बैंगलोर में जब थे ये इतना हेवी बॉडी बना लिए थे, पूरा एकदम लगता था हीरो की तरह पूरा, है ना, इतना हैंड एकदम। अभी मैं घर पे मैं थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करता हूँ, हाफ एन आवर टाइम मिलता है जब भी, तो मैं वर्कआउट करता हूँ, अभी 15 दिन से मैं बीमार था, सर्दी वर्दी, मैंने आपको बताया था ना इनकी तबीयत खराब थी इसलिए थोड़ा और ऐसे हो गया, सर्दी की वजह से थोड़ा सा मैं वर्कआउट नहीं कर रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, तो अभी आप देख सकते हैं फिटनेस मेरा कैसा है, डे बाई डे मेरा भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन हाँ मैं इसकी तरह डाइट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ शुगर वगैरह खाना पीना नॉर्मल है, बस यही है कि शुगर, ये भी शुगर मैं यूज नहीं करता हूँ, और बाहर में मैं कुछ नहीं करता, हाँ बाहर में बहुत कम, बाय चांस कभी जैसे फ्रेंड वगैरह के साथ कुछ खा पी लेते हैं, मेरा दोस्त लोग जो भी है सब चाय बहुत पीता है, तो वो लोग अगर जितना भी रिक्वेस्ट करेगा लेकिन मैं चाय नहीं पीऊंगा बाहर में, एक बार सिर्फ वन टाइम, वो लोग तो भाई 10-10 मिनट में चाय पीता है लेकिन हम नहीं पीते हैं चाय, तो अब से जो भी हमारा ब्लॉग होगा वो हम दोनों के साथ होगा, है ना, हम दोनों आपको ऐसे ही साथ में दिखेंगे, तो ऑब्वियसली पहले इनको हाइड कर दी थी मैं, घर में वहीं पे रहते थे मगर मैं इनको कैमरे में नहीं लाती थी क्योंकि इनको पसंद नहीं था, और मैं इनसे जबरदस्ती नहीं करती, यूट्यूब पे मैं भी हूँ, यूट्यूब पे मैं नहीं, नहीं प्रमोशन नहीं करनी दूंगी, अच्छा नहीं 3 साल से मैं भी YouTube पे काम कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं करना है, ये प्रमोशन कर रहा है अपने चैनल का, मुझसे बिना इजाजत, ठीक है, हम बता रहे हैं है। किसी कारण से मैं YouTube पे काम करना छोड़ दिया, हाँ, तो ये 3 इयर्स से जो है ना, 3 इयर्स 5K के अराउंड मेरा सब्सक्राइबर है, 3 साल अभी होने को है, अब होगा 3 साल होगा, लेकिन है ना इनका ये है कि इनके चैनल पे मतलब ये वीडियो रेगुलर नहीं कर पाए, वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में, हम लोग बीच में ऐसा हुआ कि मेरा फोन चोरी हो गया, स्टार्टिंग में इनका चैनल बहुत जल्दी ग्रो किया था लेकिन इतने ज्यादा प्रॉब्लम में आए, इनका फोन चोरी हो गया, इनके पास फिर फोन नहीं था ब्लॉगिंग के लिए, तो उस वजह से जो है ना इनका चैनल मतलब ये हो गया, क्योंकि आगे ये उस चीज को नहीं कर पाए, नहीं तो स्टार्टिंग में आपका भी बहुत अच्छा गया था, है ना, बहुत सपोर्ट मिला था लोगों से, कंटेंट मेरा रहता है जैसे ट्रैवल वीडियोस, फूड वगैरह, ये सब बात जो भी
बाहर का चीज जो चीज है वो सब मैं दिखाता हूँ, किसी भी शहर के बारे में, ये सब चीज के बारे में, ये सब दिखाता हूँ मैं अपने चैनल पे। तो चैनल का नाम अभी मैं नहीं बोलूंगा, बाद में कभी फिर वो चीज रिवील करेंगे, है ना। मैडम बोल रही है कि रिवील नहीं करने के लिए, पैसा चाहिए तो पैसा आपका है, मेरा वो पैसा तो हम लोगों का ही है, वो चीजें नहीं है, बस ऐसे ही मैंने फनी वे में कहा था। और आपको एक चीज और इन लोगों को बतानी है कि हम लोग शादी के बारे में बहुत कमेंट आते हैं कि हम लोग की शादी कैसे हुई, ये वो डिटेल्स में शेयर करने के लिए। कुछ अलग सिचुएशन था, सिचुएशन हम लोगों की बहुत अलग थी और हम लोग इतना प्रॉब्लम कैसे है वो चीजें, लेकिन उन सब चीजों के लिए आप भी बोलिए, आप बोलते हैं वो वक्त है उन सब चीजों के लिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से कोई भी चीज नहीं छुपाऊंगी, हम दोनों मिल के ऐसे ही जैसे आज बैठ के एक साथ शेयर कर रहे हैं ये सब चीजें, वैसे उन सब चीजों को भी क्लियर करूंगी, लेकिन उन सब चीजों के लिए अभी थोड़ा वक्त चाहिए हम लोगों को। और आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हमें वक्त दीजिए, और अभी हम दोनों जो है जैसे है, है ना, हम लोगों को ऐसे ही एक्सेप्ट कीजिए और ऐसे ही प्यार दीजिए, जो भी एकदम क्लियर है, हम खुली किताब की तरह है। और हम लोग का जो पास्ट है, हो रहा है उसको मैं क्लियर कर रही हूं, हम लोग जो है सो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये भी शेयर कर रही है, और जो क्या हुआ हम लोग साथ, कैसे मिले, क्या हुआ नहीं हुआ, वो सब जो है सो कभी फिर कभी थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त मतलब कि हाँ थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। मैं हम दोनों ऐसे ही आप लोगों से पूरी चीजें फुल डिटेल्स के साथ हर एक चीजों के साथ शेयर करेंगे, है ना, हम लोग के पास्ट में क्या हुआ, कैसे हम लोग मिले, हम लोगों का क्या है, क्या चल रहा है, वो सारी चीजें शेयर करूंगी, लेकिन वही है कि उन सब चीजों के लिए प्लीज रिक्वेस्ट है वक्त दीजिए। और सिचुएशन हम लोग का ऐसा नहीं था, अच्छा सिचुएशन था, लेकिन हाँ कोविड के वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो इसीलिए आज हम लोग थोड़ा गरीबी में अपना लाइफ गुजार रहे हैं। नहीं गरीबी नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र है, हम लोगों से भी ज्यादा बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग परेशान हैं, बस अल्लाह पाक इज्जत से। लेकिन हाँ इसमें भी जो है सो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा ये नहीं है कि हाँ खराब फील नहीं हो रहा है, जैसा है। अच्छा एक चीज और फ्रेंड्स को बताइए कि हम लोग कितनी प्रॉब्लम उठाए हैं ना, ऐसा ऐसा वक्त उठाए हैं कि हम दोनों भूखे भूखे रहे हैं सारा सारा दिन, है ना, तो बहुत परेशान एकदम, मतलब ऐसे एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था, ये भी चीज क्लियर कीजिए कि आपने खुद अपने मुंह से कहा था कि अब ज्यादा हम लोग पास कुछ नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे करें, क्या करें, मतलब ऐसा सिचुएशन है, तो ये भी मतलब वो भले ही इनको तकलीफ में इनके मुंह से निकली थी, जैसे भी निकली थी, इनका ये था कि देख रहे हैं कुछ टाइम, और ऐसा सिचुएशन था कि मतलब आज कल आज कैसे कटेगा उसका भी समझ में नहीं आता था, है ना, हम लोग कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, तो उस टाइम में ये भले ही तकलीफ में ही सही ये भी जबान से अपनी चीजें निकाले थे कि नहीं होगा तो हम दोनों मिलकर सुसाइड कर लेंगे, बोले थे ना ये चीज, मैं अभी तक इन लोगों को नहीं बताई हूँ, आज ये चीज क्लियर कर रही हूँ। तो हम लोगों के पास ऐसी भी सिचुएशन आई थी कि जहाँ पे हम दोनों ने ये मतलब आपस में फैसला किया था कि मतलब एक दो दिन देख रहे हैं फिर हम लोग सुसाइड कर लेंगे एक साथ, है ना, लेकिन वो उन सब सिचुएशन से मैं निकला हूँ, और आप सबसे बहुत मुश्किल से निकले हैं, बहुत ज्यादा जैसा भी हो बस आप जो भी मेरे कॉन्टेक्ट के लोग थे, जो जिससे मेरा अच्छा खासा उठना बैठना था, सबने वो लोग भी मेरा फोन नंबर ब्लॉक कर दिए फोन उठाना, लेकिन हाँ उस टाइम में हम बस अल्लाह को याद किए, और ये चीज मैं खुद फील किया हूँ कि हाँ जब आपका कोई नहीं होगा तो ऊपर वाले आपको जरूर मदद, मतलब इनके ऐसे ऐसे फ्रेंड जब इनका अच्छा वक्त था तो इनके साथ गाड़ी में घूमना, अच्छे अच्छे होटल में खाना पीना सब, लेकिन जब ये प्रॉब्लम में फंसे इनको इतना यकीन था कि हाँ वो लोग मेरा हेल्प करेगा, तो उस टाइम वो लोग क्या किया, जिससे भी कॉन्टेक्ट किए सब बहाना मारा, सब फोन ब्लॉक किया, सब दूरी बना लिए, है ना, आज कोई नहीं है, वो लोग कोई नहीं है अभी जो इस हम लोग इस सिचुएशन में है ना, वही जो इनके फ्रेंड अब जो बन रहे वही लोग इनके साथ आए, जो इनके मतलब पास्ट में थे फ्रेंड, जो इनका अच्छा वक्त था तब, वो उन लोगों सब ने साइड मोड़ लिया, है ना, जैसा हम लोग का बुरा वक्त आया इनके साथ बहुत ज्यादा हम दोनों के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, और जिन दोस्त से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, जिन पे ये अपना अच्छा खासा पैसा भी इन्वेस्ट कर दिए थे उनके जरूरतों में, उनके अच्छे बुरे में, जिन लोगों से भी उम्मीद के लिए ये अपना कॉन्टेक्ट करना चाहे जरूरत अपनी पूरी करने के लिए, उन सब लोगों ने इन्हें इनसे एकदम मुंह मोड़ लिया, है ना, ऐसा कि जैसे पहचानते नहीं है। तो ये चीज बोलना चाहेंगे लाइफ में जो भी हो आपके साथ अल्लाह की मर्जी है, तो बस हिम्मत नहीं आ रही और बस आगे बढ़ते रहिए, आज जीरो है तो कल आप जरूर ग्रोथ कीजिएगा, हीरो नहीं, हीरो तो नहीं, बस नहीं इतना है कि जीरो से भी आप ऊपर उठ सकते हैं, और वो हम लोग क्योंकि एक साल सॉरी क्योंकि एक साल पहले भी जो है सो हम लोग बहुत थोड़ा और डाउन हो गए थे, बैंगलोर से मुझे वापस आना पड़ा, कोविड अपना कोविड में इनको कोविड भी हो गया था, तो उस टाइम मैं यहाँ अकेले रहती थी, बताइए, और सैलरी मुझे छोड़ के वहाँ से आना पड़ा, सैलरी वो लोग दिया ही नहीं, बोला कि नहीं देंगे,
जब मर्जी होगा देखेंगे, जाओ। आपको भी बहुत ज्यादा सैलरी था इनका, इतना ज्यादा था कि अगर वो लेकर के आ जाते तो इतनी प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं होती। तो वहाँ के लोगों ने भी इनके साथ गलत कर दिया। एक तो ये कोरोना हो गया, उसका जब जॉब छोड़ के आना शुरू ये आना चाहे तो उनका पूरा आय भी इसीलिए थे क्योंकि सैलरी नहीं दे रहा था, जॉब से वो लोग हटा भी दिया। अब पूरा सैलरी इनका कितना 60-70 हज़ार कितना था, बहुत सारे महीने का था, बचा कुछ देता था, प्लस जॉब भी चला गया ना, वो सब इनका ले लिया था, जॉब भी चला गया, प्लस जॉब चला गया, इसकी वजह से दिक्कत हुई। कलकत्ता में आए तो यहाँ पे आने के बाद जो है जॉब नहीं मिल रहा है, यहाँ पे जॉब भी उस तरह का मिल रहा है तो सैलरी बहुत कम। एक इंजीनियर को आप 10,000 रुपये बोल रहे हो काम करने के लिए, तो ये सब सिचुएशन था। और जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ से ऑफिस बहुत दूर, तो उसमें मेरा और वो भी काम भी अगर दे रहा है ना फ्रेंड्स, तो फिर उसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको पैसा देगा ही देगा, काम करवा लेगा, डेट पे डेट देगा पैसे का, फिर पैसा नहीं देता। ये प्रॉब्लम हम लोग बहुत ज्यादा फेस किए, इस वजह से हम लोग और प्रॉब्लम में आए, नहीं तो अल्लाह का शुक्र है ये इतने पढ़े लिखे हैं, ये कहीं भी जॉब करके हमको दाल रोटी अच्छे से खिला सकते थे। लेकिन बहुत जगह ये जॉब के लिए ट्राई किए, जॉब भी मिला, ये पूरी मेहनत से अपने काम किए, लेकिन वही होता था कि जैसे महीना लगता था बस उन लोगों का बदमाशी शुरू। वो क्या काम करते थे, डेट पे डेट दे रहे, ये जा रहे हैं जॉब कर, ड्यूटी अपना करते जा रहे हैं, उस डेट पे पैसा के लिए डिमांड करते जा रहे हैं, पैसा नहीं देता था, है ना, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुआ है। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर यहाँ पे आपस में ही मशवरा करके तो हम लोगों ने फैसला किया कि भाई चलो जब अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और दूसरों को पढ़ा सकते हैं, दूसरों को पढ़ाना एक तो भाई अच्छा काम है ये पढ़ाना, और हम लोग यहाँ पे जिस जगह पे रहते हैं ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा, मतलब क्या बोल सकते हैं, अच्छे लोग यहाँ पे है, लेकिन हाँ थोड़े मिडिल क्लास लोग ज्यादा यहाँ पे रहते हैं, इसकी वजह से हम लोग बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं और फी बहुत कम लेते हैं, क्योंकि अगर जिस तरह के से बच्चे यहाँ पे हैं अप्रॉक्स 55-56 बच्चे हैं, अगर फी अगर मैं 500 करके अगर फी लेता तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता, फिर हम लोग अच्छे से अपना, यहाँ तक कि हम लोग ट्यूशन में ऐसे भी बच्चे को लिए हैं कि जिनके पेरेंट्स नहीं है, माँ गरीब है, मतलब खुद काम वगैरह करती है, उनको फ्री में भी हम लोग लिए हैं, फ्री में भी एजुकेशन दे रहे हैं हम लोग, है ना। और हम लोग आगे का ये भी सोचा है कि अगर हम लोग के हालात अच्छे हो गए, यहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा है, मतलब बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चे लोग काम करते हैं, तो हम दोनों का खास करके इनकी ये सोच है कि अगर एक्स्ट्रा बार में स्पेस लेके एक दो घंटा जो है गरीब बच्चों को फ्री में, जितने गरीब मोहल्ला के बच्चे हैं वो आकर फ्री में पढ़ सकते हैं, ये इनकी सोच है जो अभी तक कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी पूरी नहीं हो पा रही। अभी भी मैं मतलब कम से कम 5-6 बच्चे को मैं फ्री में एजुकेशन देता हूँ, और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कम बहुत कम पैसा है, हम लोग ठीक है जितना आपसे हो सके आप बताइए, इतना ज्यादा कम पैसा है कि आप यकीन भी नहीं कर पाएगा, मतलब उतना कम, इतने पढ़े लिखे का तो खास करके नहीं हो पाएगा, मतलब इतना कम फी है। लेकिन हम लोग का बस वही है कि अगर वो नॉर्मल फैमिली से बहुत ज्यादा परेशान है और बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं आ रहे हैं तो उनसे जो हो सकता है बस वही लेकर के पढ़ा देते हैं ऐसा। और बहुत चेंजेस आए हैं 6 महीने में मैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। और हाँ फ्रेंड, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि यहाँ पे और भी बहुत सारे टीचर है जो अच्छा खासा फी भी लेते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन जब से ये आए हैं ये माशाल्लाह ट्यूशन इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि ये बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं यहाँ पे टीचर भी, टीचर में बहुत ज्यादा फेमस हो गए, बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही है इनको। और जो और बच्चे कहीं कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं वहाँ से सब छोड़ा छोड़ा के इनके पास ट्यूशन के लिए बच्चे, क्योंकि मेरा फी भी कम है, फी कम है, उससे भी बड़ी चीज की सबका यही कहना है कि यहाँ आकर के बच्चा लोग पढ़ने में बहुत तेज हो रहा है, पढ़ने में बहुत नॉलेज मिल रहा है बच्चे को, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे मतलब अभी ऐसे बैक टू बैक बच्चे आ जा रहे हैं, स्टूडेंट आ जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कुछ दिन में ये घर में भी अब जगह पढ़ाने की नहीं बचेगी, एक्स्ट्रा बैच लगाना पड़ेगा, है ना। अभी भी तो बहुत एक्स्ट्रा बैच चलता है, 3:30 से फ्रेंड्स यहाँ चलता है डे में, मॉर्निंग में। चलो आप वीडियो भी तुम्हारा बहुत लेंदी हो रहा है। हाँ वो तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी बातें फिर नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे, आप तो ये आते ही रहेंगे, तो जो छोटी मोटी अच्छी हाँ ये चीज है, ये थोड़ा मतलब फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसे आए हैं ना तो थोड़ा ये शाई भी हो रहे हैं ना। नहीं हम अपने जो मेरे व्यूअर्स है मैं अपने चैनल पे बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि फीमेल फैन फॉलोइंग है ना थोड़ा सा, तो थोड़ा ये शर्मा रहे हैं, तो अगर शर्माहट में घबराहट में कुछ अगर इनके मुंह से या फिर मेरे मुंह से निकल गया हो तो उसके लिए प्लीज माफ कर दें, आप लोग माइंड नहीं करना, और हमें ऐसे ही सपोर्ट प्यार हमें देते रहना और हमें आगे बढ़ाते रहना। और ब्लॉग जो इनका है वो रोज विंटर के वजह से मैंने इसको बोला कि थोड़ा ब्लॉग अपलोड करो, है ना, क्योंकि बहुत लोग सोए रहते हैं ठंड के वजह से, तो 9 बजे जो है सो ब्लॉग जो है सो आज ही मिला होगा आप लोग को, और हाँ से डेली 9 बजे ही ब्लॉग मिलेगा। और आप लोग बस अपना तो आज ब्लॉग का एंड आप कीजिए, हर दिन मैं करती हूँ, आज आप कीजिए। तो आई होप के जो भी हमने आपसे कहा ये आपको सुन के अच्छा लगा होगा, और आप लोग भी हमारी स्टोरी सुन के आप लोग इंस्पायर हुए होंगे,
तो बस आप लोग बस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं हम लोग अब एक साथ कल से नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, हम लोगों को ढेर सारा प्यार दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।